अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सरर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का कर्म तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़ एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात यानी छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्य कलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया, यानी रोज का काम हो गया। यह तस्वीर है जिसमें लेखिका महादेवी वर्मा और गिल्लू, इस गिलहरी को दर्शाया गया है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही का जो पौधा था उसकी पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद है, अपवाद यानी सभी नियमों से बाधित है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बारंदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाइयों से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी भोजन था, और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा।
उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले यानी रहने की जगह में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें से काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद, जो काजू उसका प्रिय खाद था, कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका घटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता, परिचारिका यानी सेविका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गुल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था, यानी वह अपने ठंडे पंजों से लेखिका के हाथों के उंगलियों से चिपक गया। जब वो बचपन में जब कौवे उसे नोच रहे थे, उस वक्त जब लेखिका ने उसे बचाया था, तब गिलहरी ने उसके हाथों को पकड़ा था। उस तरह से इस बार भी मरने की स्थिति में भी उसने उनके हाथों को पकड़ा, यानी मरने की स्थिति में भी लेखिका के उंगलियों को पकड़कर लेट गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात के प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी सुबह होते ही वो मर गया और किसी और जीवन में जागने यानी दूसरा जन्म लेने के लिए वो गहरी नींद में सो गया, मृत्यु की नींद में सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजुही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजुही की लता के बीच गिल्लू को समाधि दी गई, इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय था और इसलिए भी कि उस लघुघात का यानी उस छोटे शरीर का किसी वासंती दिन जूही के पिताव यानी पीले रंग का जो छोटा फूल था खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो ये थी आपकी पार्ट एक क्लास 9th की गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई भी परेशानी हो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।